गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, इस चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत एवं ढेरों सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, भक्ति की शक्ति अपरंपार है। चाहे हम माने अथवा ना माने, परंतु इतना तो अवश्य है कि जब जब हमारी आत्मा, जब जब हमारा मन भक्ति के सागर में डुबकियां लगाता है, तब तब एक अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है। तो हम बिल्कुल इस बात को सिद्ध किया जा सकता है, या यूं कहें कि सत्य को साबित करने की सांच को कहीं आंच नहीं है। तो ये बात बिल्कुल 110% सत्य है। जीवन में चाहे कितनी भी विषम परिस्थितियां हों, लेकिन जब हमारा मन भक्ति में डूबो जाता है, जब जब हम उस परम प्रकृति, शाश्वत सत्य, ईश्वर, सत्ता, भगवान, गॉड, अल्लाह के प्रति समर्पित हो जाते हैं, तब तब हमारी आत्मा और हमारा मन दोनों ही आह्लादित होता है। दोस्तों, कहते हैं राम से ज्यादा शक्ति राम के नाम में है। कहा जाता है भक्त के पीछे पीछे भगवान चले आते हैं। भक्ति में अद्भुत शक्ति छिपी है। राम के नाम को लिख देने से जब पत्थर समुद्र में तैर गए थे, तो राम नाम की इतनी महिमा थी, यानी भक्ति की इतनी महिमा। तो सचमुच में जब जब हम परिस्थितियों से घिरते हैं, जब भी हमारा मनोबल टूटता है, विषम संकटों में हम अपने आप को जकड़े हुए महसूस जब भी करते हैं, तो उस स्थिति में भक्ति हमें अत्यधिक शांति और आत्मानुभूति, आह्लाद, मन में आनंद का एक स्रोत मात्र एक भक्ति ही नजर आता है। तो इस भक्ति की अत्यधिक महिमा है। कहा गया है भक्ति जीवन का सर्वोच्च और पंचम पुरुषार्थ है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण से कुंती कहती है एक बार कि हे भगवान, हमें जीवन में कष्ट देना, अक्सर कष्ट देना, ताकि हम आपको भूल ना सकें। वस्तुतः जब हम परिस्थितियों में घिरते हैं, तो हमारा हृदय, हमारा मन ज्यादा ही भक्ति में हो जाता है, ज्यादा ही स्वच्छ होने लगता है, ज्यादा ही समर्पित होने लगता है, ज्यादा ही आस्थावान होने लगता है। इसलिए कभी भी भक्ति की शक्ति को हम नकार नहीं सकते हैं, और भगवान नाम के जप में जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं, जो शक्तियां मिलती हैं, जो अनुभूतियां मिलती हैं, सचमुच में वो आश्चर्यजनक तो हैं ही, वो ट्रांसफॉर्मेटिव भी होती हैं। लेकिन हम
उतने मात्रा में उतने दृढ़ता से उसको पालन नहीं कर पाते हैं, भटक जाते हैं कहीं ना कहीं, हमारी कंसिस्टेंसी नहीं रह पाती है उसके प्रति। समर्पण तो घटित होता है लेकिन वह समर्पण जो है वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाता है, कायम नहीं रह पाता है, फिर वहाँ कहीं ना कहीं हमारा मन विचलित हो जाता है। राम से काम की तरफ हमारी मनोवृत्ति चली जाती है, जिसका परिणाम होता है हमारे जीवन में दुख, दरिद्रता और अभाव घटित होना शुरू हो जाता है। और वह जो अभाव है, वह जो परिस्थितियां हैं, वो भी प्रकृतिगत इसलिए प्राप्त होती है ताकि वो सर्वशक्तिमान जो हमारा नेचर है वो कहीं ना कहीं हमारी एबिलिटी को बढ़ाना चाह रहा है, कहीं ना कहीं वो हमें इस बहाने याद दिलाना चाह रहा है कि जो जीवन का सर्वदा सत्य है, जो परम आनंद है, परम अभिव्यक्ति है, जो स्व की खोज है, उसके तरफ मुड़ने का इशारा है। यानी हमें तपा करके और निखारना वो चाहता है और स्वच्छता देना चाहता है। अनेक प्रकार के परिस्थितियों के अनुभव करा करके वो प्रकृति, वो गॉड, वो ईश्वर हमें और भी ज़्यादा परिपक्व बनाना चाह रहा है। तो उस परिस्थिति में और भी ज़्यादा समर्पण घटित होता है, जिस तरह से कृष्ण के प्रति सुदामा का समर्पण घटित हुआ था। और वस्तुतः जीवन में जब चारों तरफ से निराशा घिराता है, कोई भी शक्ति, कोई भी उपाय काम नहीं आता है मनुष्य को, तो अंततः सिर्फ उस परमात्मा का नाम ही याद आता है। जिस तरह से परिस्थिति में द्रौपदी जकड़ चुकी थी कि अपने पांचों पतियों के समक्ष भी उसे निर्वस्त्र होना पड़ रहा था, भीष्म पितामह और समस्त अपने ही घर में उसकी इज्जत दांव पर लग चुकी थी, उस समय अगर उसे कुछ याद आया था तो भगवान कृष्ण, ईश्वर, और वह अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दी, देखी कि हमारा कोई भी शक्ति काम नहीं आ रहा है, तो अपने आप को पूरी तरह से सिलेंडर कर दी ईश्वर के प्रति, सत्ता के प्रति, कृष्ण के प्रति, भगवान के प्रति, और पूरी तन्मयता के साथ, पूरी आत्मीयता के साथ जो ही वह समर्पण घटित होता है कि कुछ अद्भुत होने लगता है दोस्तों, कुछ चमत्कार होने लगता है। और 100 हाथियों के बल वाला भी दुशासन उसका चीरहरण नहीं कर पाता है। साड़ी खींचते खींचते वो परास्त होकर गिर जाता है, लेकिन द्रौपदी का चीरहरण कर पाना नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि उस वक्त वो अनंत से जुड़ चुकी थी, अनंत के प्रति समर्पित हो चुकी थी। तो कहीं न कहीं हमारा इतिहास इस बात का गवाह है कि उस अनंत में, सचमुच में अनंत शक्ति है, आवश्यकता है उसके प्रति पूर्ण रूपेण समर्पित होने की, 100% सिलेंडर।
99% में काम नहीं चलेगा, क्योंकि पानी को खोलने के लिए फॉर बॉइलिंग द वाटर इट मस्ट हैव टू गेट 100 डिग्री टेम्परेचर। 99 डिग्री तापमान पे पानी वाष्पीभूत नहीं होगा, वो खोलेगा नहीं। तो 100 डिग्री टेम्परेचर चाहिए और अबव 100 डिग्री। तो सेम कंसेप्ट है, वो 100 डिग्री भक्ति भी चाहिए, 100 डिग्री समर्पण भी चाहिए उस भगवत कृपा के लिए, स्वानुभूति के लिए, भगवानुभूति के लिए, भगवतानुभूति के लिए। वो हम में कमी रह जाती है और हम सपोज दैट कभी 50%, कभी 60%, कभी 70%, कभी 80%, कभी 90%, 98%, 99%, 100% भी पहुंचते हैं, फिर हमारा टेम्परेचर डाउन हो जाता है। समर्पण तो घटित होता है जीवन में, परिस्थितियां बस, लेकिन वो कायम नहीं रह पाता है, सस्टेंड नहीं कर पाता है, 100 डिग्री एंड मोर पर सस्टेंड नहीं कर पाता है, जिसका रिजल्ट होता है हमारा जो तार है, जो कम्युनिकेशन है, वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है बीच में, और वो शक्तियां, वो आशीर्वाद, वो सपोर्ट से हम कहीं ना कहीं वंचित रह जाते हैं। इसलिए आवश्यकता है उस टेम्परेचर को बनाए रखने की, उस समर्पण को कायम रखने की कंसिस्टेंटली, और ऐसा तब भी होगा जब हमारी आत्मा परिपक्व हो चुकी होगी, सभी परिस्थितियों, सभी स्थितियों को झेलने के बाद, देखने के बाद, इस सत्य को समझ जाएगी जब आत्मा हमारी, जान जाएगी कि दैट इज द सुप्रीम एंड नथिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट एंड मोर लवली एंड मोर देन दैट क्रिएचर। जब इस बात पे बिल्कुल कॉन्स्टेंटली हमें फेथ हो जाएगा, हमारी अनुभूति, हमारी स्वानुभूति से यह बात बिल्कुल हमारी आत्मा की गहराई, हमारे मन की गहराई में ये बात जब तक नहीं पहुंच जाता है, तब तक 100% जो समर्पण है वो नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाता है। इसी कारण हम भटकते हैं और काम राम से काम की तरफ चले जाते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में हमारे मुख्य रूप से कहा गया है कि 5 शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये हमारे 5 शत्रु हैं जीवन के, और इन शत्रुओं पर विजय पाना सचमुच में बहुत ही कठिन बात है। सबसे पहले जो हमारा शत्रु है वो है काम, काम वासना, जो कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। और भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गीता में इस बात का जिक्र किया है कि यह जो काम रूपी हमारा शत्रु है वह कभी भी ना अघाने वाला है, यानी कितना भी काम उसको तृप्ति दो वो कभी तृप्त नहीं होने वाला है, हमेशा तृप्ति ही रहेगा। जितना भी उसको काम को काम से तृप्ति नहीं मिल सकती है। इसलिए कृष्ण ने सजेस्ट किया है कि काम से बलपूर्वक अपने मन को दूर करके उसको राम में लगाने की आवश्यकता है, उसको ईश्वर तत्व में लगाने की आवश्यकता है। और उन्होंने यह भी व्याख्या किया है कि काम की पूर्ति नहीं होने के कारण क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध जो है हमारे बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। तो काम के कारण क्रोध और लोभ की उत्पत्ति होती है,
और वही काम मोह का जनक है, अहंकार का जनक है। यानी बुद्धि जब भ्रष्ट हो गया तो लोभ मोह अहंकार सारा कुछ उत्पन्न हो जाएगा। तो उस बुद्धि को ठीक रखने के लिए, उस काम को पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें भक्ति का मार्ग अपनाना बेहद आवश्यक है। समर्पण होना ईश्वर के प्रति बहुत आवश्यक है। नियमित रूप से ध्यान और प्राणायाम करने की बेहद आवश्यकता है। इन सब क्रियाओं को करने से हमारी आत्मा की शुद्धि होती रहती है। हमारा मन का जो मैल है, मन रूपी दर्पण पे जो ऊपर जो परत मैल का जम जाता है, जो धूल कण जम जाता है, वो साफ हो जाता है। जिससे हमारा दर्पण स्वच्छ हो जाने के कारण उसमें हम अपने प्रतिबिंब को भली भांति देख पाते हैं। प्रतिबिंब को देख पाते हैं कहने का मतलब है कि फिर हमारी बुद्धि भ्रमित नहीं हो पाती है, हम वास्तविकता को पहचान पाते हैं और हमारे समर्पण जो है वो सस्टेन कर पाता है, कंटिन्यू रह पाता है, 100 डिग्री को वो बरकरार रख पाता है। अदरवाइज कहीं ना कहीं भटकने की संभावना हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारा मन जो है वो एक चंचल घोड़े के समान है। जब अर्जुन ने पूछा कि भगवान इस वायु के, जिस तरह से वायु को वश में करना संभव नहीं है, हवा को वश में करना संभव नहीं है, उसी तरह हमारा मन है। मन तो वायु से भी तेज है, मन की गति प्रकाश की गति से भी तेज है। तो इस चंचल मन को वश में कैसे किया जाए? हाउ टू कंट्रोल दिस माइंड, ये एक बहुत बड़ा जीवन का प्रश्न है। हमारा मन ही कंट्रोल में नहीं रह पाता है, मन ही कहीं स्थिर नहीं हो पाता है, कहीं एक जगह इसकी स्थिरता नहीं है, ठहराव नहीं है, बहुत ज्यादा भटकता है। तो उन्होंने एक ही जवाब दिया है भगवान श्री कृष्ण ने, अभ्यास न ही कौनते। किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। तो मन को भी नियंत्रित करने के लिए हमें अभ्यास, बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास किस चीज का? वो अभ्यास, किस अभ्यास के बारे में उन्होंने इशारा किया है? वह जो अभ्यास है मन को नियंत्रित करने के अनेकों प्रकार के अभ्यास क्रियाएं हैं, जिसे क्रिया योग, जिसमें हम प्राणायाम, योग निद्रा, बहुत तरह के आसन, ध्यान इत्यादि जो यौगिक क्रियाएं हैं, इसको यदि हम कंसिस्टेंटली और नियमित रूप से करते हैं, ये ध्यान देने की बात है, नियमित होना चाहिए और कंसिस्टेंटली होना चाहिए, ब्रेक करके नहीं, कंसिस्टेंट उसका कुछ होना चाहिए। इसे अगर प्राणायाम ही शुरू करें, त्राटक की क्रिया शुरू करें, तो निश्चित समय पर और प्रतिदिन उसको कंसिस्टेंट रूप से करें, तब उसका एक अद्भुत रिजल्ट आना शुरू होता है। मन हमारा नियंत्रित होना शुरू हो जाता है। तो ये सब क्रियाएं हैं जिसके कारण हम अपने मन को नियंत्रित करके अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यानी जो हमारी आंतरिक हमारे शत्रु हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, यानी हमारा हमारे आत्मा पर जो छाए हुए रहते हैं बादल, वो साफ हो जाएंगे। हमारी स्थिति जो है वो निर्जरा की स्थिति हो जाएगी। भगवान बुद्ध ने भी कहा था कि ध्यान करने से हम निर्जरा स्थिति में आते हैं। निर्जरा मीन्स
जिस तरह से पतझड़ में वृक्षों के पत्ते झड़ जाते हैं, यानी जो फालतू चीज़ें हैं, जिस तरह से मान लिया जाए कि एक पत्थर होता है, पत्थर से अगर फालतू पत्थरों को हटा दिया जाए तो एक मूर्तिकार रूप ले लेता है, वही स्थिति है। जो फालतू के विचार, फालतू के वासनाएं, जो फालतू के लोभ मोह अहंकार क्रोध काम इत्यादि जो हमारे मन पे जो इनके परत जम जाते हैं, इन परतों को कौन से साबुन से धोया जाए, तो उस साबुन का नाम है ध्यान, उस साबुन का नाम है प्राणायाम, उस साबुन का नाम है योग, उस साबुन का नाम है योग निद्रा। तो ये सारे साबुन है, जैसे हम लक्स लगाते हैं, हम पियर्स लगाते हैं, हम लिविल साबुन का यूज करते हैं, या बहुत सारे बाजार में जो साबुन हैं, उन साबुनों से और उन शैम्पू से क्या करते हैं, हम लोग अपने शरीर का मैल साफ कर देते हैं, अपने बालों को धो लेते हैं, अपने पूरे शरीर को रगड़ रगड़ करके उसके गंदगी को साफ करते हैं। लेकिन अपने मन की गंदगी को हम कैसे साफ करें, उसके लिए कौन सा साबुन है भाई, किस साबुन से अपने मन को स्वच्छ किया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दोस्तों, हम लोग अपने शरीर को स्वच्छ रखने के लिए प्रतिदिन स्नान करते हैं, प्रतिदिन साबुन तेल इत्यादि लगा करके अपने बाहरी त्वचा को, अपने शरीर को स्वच्छ रखने का कोशिश करते हैं, जिससे कि बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस, कोरोना तोरोना ये सब जो है हमारे संपर्क में ना आ सके। तो बाहरी क्रियाएं तो हम करते हैं, अवश्य हैं, लेकिन आंतरिक क्रियाओं को हम भूल जाते हैं। हमें अपने मन को भी स्वच्छ रखने की आवश्यकता पड़ती है, अन्यथा मन पर भी बहुत सारे वायरस अटैक करते रहते हैं, और ये वायरस हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये मुख्य रूप से हमारे मन पर अटैक करने वाले धूल कण हैं, वायरस हैं, गंदगियां हैं, ये मन के कचरे हैं जो हमारे मन में घुस जाते हैं और मन के नोजल को जाम कर देते हैं, उसके बुद्धि को खराब कर देते हैं, उसके सिस्टम को खराब कर देते हैं। तो मन में इन वायरसों को प्रवेश करने से रोकने का अगर कोई उपाय है, उसका नाम है ध्यान, मेडिटेशन, उसका नाम है योग निद्रा। ये सब क्रियाएं हैं। तो जिस तरह से हम लोग कंसिस्टेंटली ध्यान, जिस तरह से हम लोग कंसिस्टेंटली स्नान करते हैं, जिस तरह से कंसिस्टेंटली हम लोग स्वच्छता के लिए साबुन वगैरह का उपयोग करते हैं, ठीक उसी प्रकार से शरीर के लिए तो अपना लेते हैं, भोजन करते हैं, मन को भोजन क्या देते हैं, क्या मन को क्या चावल खाने और रोटी खाने और फल सब्जी खाने से मन का भूख मिटता है? नहीं, वो शरीर के लिए आवश्यक। मन का जो भोजन है, मन का जो आहार है, मन को स्वच्छ रखने का, मन को स्वस्थ रखने के लिए जो क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं का नाम है दोस्तों ध्यान, योग, प्राणायाम, योग निद्रा, त्राटक, ये सब क्रियाएं हैं, जिसे अपना करके हम अपने मन को स्वच्छ रख सकते हैं, वासनाओं से दूर रख सकते हैं, अपनी बुद्धि को ठीक रख सकते हैं, स्वच्छ रख सकते हैं, वायरस फ्री रख सकते हैं। और इन बातों को बखूबी
हमारे पौराणिक वेद शास्त्रों में पौराणिक ऋषि महर्षियों ने बहुत ही प्रमुखता दी थी और बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से कंसिस्टेंटली इसका फॉलो करते थे। लेकिन आज के इस विज्ञान के युग में फिजिकल वर्ल्ड पर तो ध्यान दिया जाता है, लेकिन जो हमारा इंटरनल वर्ल्ड है उसको हम कहीं ना कहीं नकार देते हैं। लेकिन अंदर और बाहर की दुनिया कहीं ना कहीं लिंक है, भले ही हमें नजर नहीं आता हो लेकिन कहीं ना कहीं लिंक, आत्मा और परमात्मा कहीं ना कहीं लिंक कनेक्टेड है। एवरीथिंग्स इन द वर्ल्ड्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। सूरज तारों से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, तारा कहीं ना कहीं पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, चांद सूर्य से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से किसी न किसी रूप से जुड़ा हुआ है, अटैच है, आत्मा परमात्मा से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, नदी समुद्र से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो पूरा जो है वो एक नेटवर्क सिस्टम है, कनेक्शन है। जैसे देखते हैं अमेरिका कहां सात समंदर पार, वहां का अगर स्टॉक मार्केट गिरता है तो इंडिया का भी स्टॉक मार्केट गिरने लगता है। अमेरिका का स्टॉक मार्केट अगर ऑल टाइम हाई लगाता है तो अभी देख रहे हैं इंडिया का भी स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई लगा। क्यों? कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, कनेक्टिविटी है, जुड़ाव है, अफेक्टेड है, एक दूसरे से प्रभावित होता है। तो इस बात को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो सिर्फ इस भौतिक शरीर को ही स्वच्छ रखने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आंतरिक जो हमारा मन है वो बाहर और अंदर से भी जुड़ा हुआ है, तो उस आंतरिक को भी स्वच्छ रखना हमें बेहद आवश्यक है। तो इतनी सारी चर्चाएं आज हुई, आपके आप सभी भाइयों बहनों माताओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत सुनने के लिए धन्यवाद और हार्दिक अभिनंदन। आप यदि इन बातों में सच्चाई और कुछ प्रेरणा मिलती है, कुछ ज्ञान और आत्मा को आनंद की अनुभूति होती है इन बातों से, मैं तो स्वानुभूति और आत्म आनंदानुभूति हेतु मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी बातों को रखूं, जिससे सारे लोगों को कुछ सत्य ज्ञान और आत्मानंद की अनुभूति हो। तो अवश्य ही लाइक करके हमारी हौसला को बढ़ा सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को, ताकि इस प्रकार की भक्ति के सागर में भविष्य में और भी वीडियोस बना सकूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।